सबको मेरा सलाम नमस्ते। और आज मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में आकर हमारे देश के युवाओं से कुछ कहने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने बात आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि प्लीज़ वो वीडियो प्ले करें। निजामों के शहर हैदराबाद के असली निजाम की बात करेंगे हम। असल जिंदगी के इस बादशाह के पास यूं तो ज्यादा पैसे नहीं हैं, जेब खाली ही रहती है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है इनका। अजहर की बात हम कर रहे हैं। अजहर पिछले 1176 दिनों से, यानी कि करीब 3 सालों से हर रोज 100 से 150 लोगों को एक वक्त का खाना मुफ्त खिला। भूख का कोई मजहब नहीं होता और भूख उम्र का लिहाज भी नहीं करती। अजहर जी हर रोज 150 लोगों का पेट भरते हैं। मेरे भूख कितनी बर्दाश्त की है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। जो इन्होंने काम किया है सर, हमारा काम उसके सामने बिल्कुल जीरो है। आप कितने लोगों को फीड करते हो हर दिन? अभी अराउंड पूरे हमारे हैदराबाद में 2 जगह प्रोग्राम होता है जहाँ पे अराउंड 350 मेंबर्स डेली खाना खाते हैं। और एनीवन, जो भी है, जो भी है, जो भी है, जो भूखा है, जो भूखा है, गरीबी बोल के नहीं, थोड़ा मेरा काम करने का तरीका अलग है। मैं जो भूखा है वो आए और खाए, जरूरी नहीं है कि वो गरीब हो, रोड पे रहने वाला हो। वन मील अ डे, बस जो भूखा है वो अपनी भूख मिटाए। बड़ी कमाल की स्टोरी है आपकी, खाना खिलाते हो, कितना स्वाब कमाओगे आप? कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा भूखों की भूख मिटाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यहाँ पर ये वीडियो बताने का मकसद ये नहीं था कि मेरा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ तक मैं जा चुका हूँ, ये मेरा मकसद नहीं था। यहाँ पर जो भी आपको वीडियो बताया गया, मैं जो आगे बात करने वाला हूँ आपसे, उसके लिए मुझे ये बताना, ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने दिखाया। जैसे कि मैं काफ़ी बचपन में काफ़ी तकलीफ़ों से मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं जब 4 साल का था तो मेरे वालिद मोहतरम, मेरे फादर की डेथ हो गई। मेरी माँ ने मुझे बड़े तकलीफ़ों से, बड़े मुश्किलों से पाला, बड़ा किया। जब मैं 12 साल का हुआ तो मैं काम करने लग गया। मैं अलग अलग दुकानों पे काम करता था। उसी टाइम पे मैं अपनी तालीम कंप्लीट नहीं कर सका। मैं तालीम को ज़्यादा हासिल नहीं किया, मैं पढ़ा नहीं। मैं सिर्फ 5वीं जमात उर्दू मीडियम तक पढ़ा हुआ हूँ। और उस बात की तकलीफ़ मुझे हमेशा रहेगी, क्योंकि मैंने माँ की बात क्यों नहीं सुनी, जब स्कूल क्यों नहीं गया। वक्त बढ़ता गया काफ़ी। हम 4 भाई 1 बहन, वालिद साहब दुनिया में नहीं, कमाई का कोई ज़रिया नहीं। अब सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती तो वो होती थी खाने की, भूख की। कई ऐसा वक्त गुजारा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में कि 2-2 दिन मुझे खाने को नहीं होता था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब भी अल्लाह का एहसान मानता था, और आज भी अल्लाह का एहसान मानता हूँ। भूख क्या होती है, और आप भूख, जब इंसान को भूख लगती है, उसके पास खाना नहीं होता, तो उसका दिमाग किस तरीके से काम करता है, और वो कोई भी बुरा काम करने के लिए पीछे नहीं हटता। तो उस बात का एहसास मुझे हमेशा था। 2012 में एक ऐसा टाइम आया
मैं अपनी दुकान के लिए, मेरा शॉप है, मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम करता हूँ, पीओपी का मेरी शॉप है। मैं अपनी शॉप को आ रहा था, वहाँ पर इत्तेफाक से मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, तो मैंने अपनी गाड़ी को वहीं रख दिया और मैं पैदल आने लगा। तो मैंने देखा कि वहाँ पर स्टेशन के पास एक औरत, ज़ईफ औरत जिसके पैर नहीं हैं, वो दर्द से तड़प रही थी। तो बचपन से मेरी वालदा ने हमेशा ये कहा है कि वालदा की बातों पे अगर हम मानना मानते रहेंगे वालदा के, तो आज मैं जहाँ हूँ इससे कई और आगे आप हो सकते हैं। बचपन में हमेशा मेरी वालदा ये कहती थी, बेटा अगर हम किसी के साथ एक हिस्सा करेंगे, अगर हम उनके लिए एक अच्छा काम करेंगे, तो अल्लाह ऊपर वाला हमारे लिए 10 अच्छे काम आपके लिए कर देगा। ये एक विश्वास था। हमेशा बचपन से एक आदत थी कि कोई भी अगर तकलीफ़ में दिखता तो उससे बराबर पूछता, मैं आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या तकलीफ़ है। आप उसी तरीके से उस लेडी को भी मैंने पूछा, तो वो बेचारी बोल नहीं सकती थी। बाजू वाले ने कहा कि ये खाना नहीं खाई है 2-3 दिन से, इसका एक बेटा है जो मेंटली डिसेबल है, वो 2-2 दिन को कहीं कहीं चला जाता है, तो ये खाना वाना नहीं खाई है। मैंने कहा यार तुम भी खिला सकते हो खाना। वो बोले हमारे को नहीं मिलता साहब टाइम पे, तो हम कहाँ से खाना देंगे। तभी मैं होटल से उसे लाकर खाना उस औरत को, वो औरत का नाम मुझे अच्छा याद है, और वो पहली औरत है लक्ष्मी जी, जिनको मैंने अपने हाथ से खाना खिलाया। वो औरत को मैंने खाना खिलाया और उसके बाद दुआ कर ली कि या अल्लाह अगर मुझसे कुछ काम लेना है तो मैं इंसानियत का काम लूँ, भूखों की भूख मिटाऊँ, मुझसे ऐसा काम लीजिए। ना मेरे पास उतनी ताकत थी, ना उतना पैसा था, ना आज उतना पैसा है, मगर मेरा ये विश्वास है कि अगर हम अच्छाई के लिए काम करेंगे, मेरा 10 रुपया आगे वाले का 1 रुपये के बराबर, 1 लाख रुपये के बराबर हो सकता है, क्योंकि मेरे 10 रुपये में जो काम हो सकता है उनके 1 लाख रुपये में नहीं हो सकता। मेरा ऐसा विश्वास है। तभी हमने वहाँ पर स्टार्ट किया और घर में आया मैं, वालदा को कहने लगा कि वालदा मम्मा मैं ऐसा औरत एक औरत को देखा, वो बेचारी तड़प रही थी, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे अल्लाह दे रहा है उसमें से हम खाना बनाएंगे और गरीबों में खाना खिलाएंगे। माने वालदा ने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, अल्लाह तुम्हारे को और दे, आप करो। वहाँ पर लेके खाना जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पर बांटा, तो जब मैं देखा लोग खा रहे थे, तो यकीन मानिए मेरे को मेरा बचपन याद आ गया। अगर मुझे कहीं दावत है बल्कि मुझे पता चलता, तो उसकी तैयारी मैं 8 दिन से कर लेता था, क्योंकि यहाँ पे दावत है और मेरे को जाके पेट भर के खाना खाना है। मगर आप मेहनत करते हुए आज मैं यहाँ तक आया हूँ, आज इस मुकाम तक आया हूँ कि मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर ले सकता हूँ, और मुझसे जो हो सकता है मैं वो दूसरों के लिए कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे सारे काम जितने भी हैं ये सारे विश्वास पे टिके हैं। मेरा मानना यह है कि हम जिस मज़हब के भी मानने वाले हों, हमारा जो विश्वास है वो मज़बूत होना चाहिए। अगर मज़बूत रहेगा तो आपके लिए दुनिया का कोई भी टारगेट आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप हर मंजिल पा सकते हैं। आपकी मेहनत और ऊपर वाले पे विश्वास, ये बहुत ज़रूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए। आज हमारे उस प्रोग्राम के डबिलपुरा ब्रिज के नीचे जो हमारा प्रोग्राम होता है, उसके 2200 चिल्लर दिन हो चुके हैं। उसके बाद हमने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे काम करने के लिए, वहाँ पर खाना बनवाने के लिए, तो कई बार हमने अपना मटेरियल जो होता है मेरा, जो न्यूज़पेपर वगैरह, हमने वो बेचकर उस जगह उस वक्त प्रोग्राम करवाया। बस मैं ये चाहता था कि मैं देखना चाहता था कि मैं कहाँ तक आखिर कर सकता हूँ, मैं आखिरी हद मेरी क्या है, आखिर मैं कब टूटूंगा या नहीं टूटूंगा, या अल्लाह मुझे और ताकत देगा मैं और काम करूँगा। मगर मैंने जैसे कहा कि अगर आपका विश्वास है मज़बूत तो आज आप यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। आज हैदराबाद ही नहीं बल्कि इंडिया में, सारे इंडिया में 1000 से 1200 लोग पर डे खाना खाते हैं, पर डे 1200 आदमी खाना खाते हैं। ये हमारी सबकी कामयाबी है, ये हमारे सारे देश के नौजवानों की कामयाबी है जो मुझसे, मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, लोग हेल्प के लिए आगे बढ़ते गए। मैं हमेशा यही मानता हूँ कि जो काम हम
ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं, जो हम इंसानियत के लिए कर रहे हैं, जो सारी दुनिया को देने वाला है, उसके काम के लिए हमें किसी से मांगना नहीं चाहिए, किसी से मांगना नहीं चाहिए। ये मेरा ऐसा मानना है। हमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, हमने हमेशा यही सोचा कि अगर ऊपर वाला हमसे काम लेना चाहेगा तो हमें रास्ते बनाएगा और हमारा काम आगे बढ़ेगा। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि मेरा काम करने का और मेरा सोचने का तरीका अलग है। मैं दिमाग से नहीं, दिल से सोचता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ, तो अल्लाह मेरे साथ हमेशा होता है। और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि सारे इंडिया में हर मज़हब का मानने वाला भाई मुझे जान से ज़्यादा चाहता है, मुझे बेइंतहा चाहता है। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है लाइफ का। क्योंकि लोग आज इस नफ़रत के माहौल में, लोग अगर किसी को चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और इंसानियत ही सब कुछ है। मेरा ऐसा मानना है और ये मेरा विश्वास और ये मेरा यकीन है कि इंसानियत ही सब कुछ है। तो मैं यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप अगर हम जब तक दूसरों का ख्याल नहीं करेंगे, हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते, हम अपने अच्छे मज़हब के मानने वाले नहीं बन सकते। जो भी हम तालीम हासिल करते हैं वो सारी बेकार हो जाएगी अगर हम इंसानियत के लिए काम नहीं करेंगे। तो मेरा मानना यह है, आप दुनिया की डिग्री से लेने से पहले आपके माँ बाप, आपके टीचर्स, जो आपको डिग्री, आपको जो अखलाक सिखाते हैं, उसकी डिग्री आप लेके निकलिए। दुनिया की डिग्री तो आपको यूं ही मिल जाएगी जब आपके अखलाक अच्छे होंगे, जब आपके अखलाक और किरदार अच्छे होंगे तो सारी दुनिया आपको सलाम करेगी, सारी दुनिया आपके साथ हो जाएगी। तो आप लोग हमारे, मैंने जैसे कहा कि आप लोग हमारे देश का मुस्तकबिल हैं और हमारे देश के सारे नौजवान देश का भविष्य हैं, तो आप लोगों के खानों पे काफ़ी जिम्मेदारी है कि हमारे देश से भूख नाम की चीज़ को मिटाए। अगर आप हिम्मत करके दूसरों का अगर ख्याल करेंगे, अपने पड़ोसी का ख्याल करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे देश में कोई भूखा नहीं मरेगा, भूखमरी ख़त्म हो जाएगी। मैं रहता हूं यहां पर ओल्ड सिटी हैदराबाद में, चंचलगुड़े का मैं रहने वाला हूं, मगर मेरा काम असम में चलता है, आसाम गुवाहाटी में एक प्रोग्राम चलता है हमारा, बैंगलोर में चलता है। ये कैसे चल रहा है? ये मैंने जैसे कहा कि सारे इंडिया से लोग मुझसे जुड़े हैं। जो भी हिम्मत करता है, अज़हर भाई हम काम करना चाहते हैं, चलिए, मैं कहता हूँ कि चलिए हम आपके साथ हैं, आप काम कीजिए। कैसे होगा, क्या होगा, वो मत सोचिए, आप काम करने की नीयत कीजिए। हमें स्टार्ट लेने की ज़रूरत होती है। अगर आप स्टार्ट लेंगे तो वो काम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाएगा। हमने इंस्टीट्यूट डाला क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, मैं तालीम हासिल नहीं किया, वो बात का मुझे काफ़ी तकलीफ़ है, तो मैंने सोचा क्यों ना जो मैं नहीं कर सका वो गरीब बच्चे करें। तो हमने एक इंस्टीट्यूट डाला जहाँ पर 10th क्लास के बच्चों को फ्री ट्यूशन दिया जाता है, उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु मीडियम, तीनों मीडियम के बच्चों को गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को हम वहाँ पर फ्री में ट्यूशन देते हैं। तो जो भी हो सकता है हम करने की कोशिश करते हैं। और मैंने जैसे कि अपनी सारी लाइफ आपको सुनाई, मैं आपको इमोशनल करने के लिए या आप लोगों से मोहब्बत हासिल करने के लिए नहीं बताया, मैं इसलिए आप लोगों को बताया हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वेल सेटल लोग हैं। जब मैं उस टाइम पे ऐसा काम स्टार्ट कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, ये मैं आपको बताना चाहता था। क्योंकि अगर हम एक दूसरे का अगर सपोर्ट करेंगे तो भूख ख़त्म हो जाएगी। अभी परसों ही मैंने सुना, पढ़ा के पेपर में, 3 मासूम बच्चे, 8 साल 4 साल 2 साल की बच्ची भूख से मर गई। ये बहुत तकलीफ़ की बात है। मैं जब वो न्यूज़ पढ़ा तो मुझे बेइंतहा तकलीफ हुई। मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं पहुँच सका वहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि हर जहाँ भूख है वहाँ पर अज़हर मखसूसी पहुँचे। मैं अज़हर मखसूसी को देश के कोने कोने में देखना चाहता हूँ, गांव गांव में देखना चाहता हूँ, बस्ती बस्ती में मैं अज़हर मखसूसी को देखना चाहता हूँ जो भूखों की मदद करे। तो प्लीज़, आप लोगों का अभी काफ़ी उम्र है, आप लोग अगर हिम्मत करेंगे, अगर दूसरों की भूख का एहसास करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हमारे देश से भूख नाम की चीज़ मिट जाएगी। क्योंकि आज सबसे बड़ा मुद्दा, अगर हम जूझ रहा है हमारा देश तो वो भूख से है। मेरा सपना, मेरा ख्वाब है कि मैं भूख से हिंदुस्तान से मैं भूख को फांसी दे दूं, और इंशाल्लाह ज़रूर होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है।
जो चीज़ हम सोच सकते हैं वो 100% हम कर सकते हैं। तो अपने अल्फाज को मैं ख़त्म करता हूँ और मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।